हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल मैथ वीबीएन चैनल। एंड इन दिस वीडियो हम करेंगे परसेंटेज के। परसेंटेज को कैसे हम सॉल्व करते हैं और इसको अंडरस्टैंड कैसे किया जाता है। परसेंटेज को वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है, मुश्किल नहीं है। हम इसको डिटेल से हम करेंगे और आसानी से हम इसको कर लेंगे, ये मुश्किल नहीं है। लेकिन आपको इसको समझना ज़रूरी है, इसका मेथड ज़रूरी आपको समझना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल हमें निकालना है 15% ऑफ लेट्स सपोज 100। हमारे पास ये मौजूद तो है, हमें पता है कि 100 का 15% 100 ही होता है। तो लेकिन हम इसका प्रोसीजर सीखते हैं, इसके अलावा और भी क्वेश्चन करेंगे हम। ये देखें जी, प्रोसीजर ये होता है 15, जब आप इस परसेंटेज साइन को रिमूव करेंगे तो ओवर आ जाएगा 100। ठीक है, ये बताता चलो कि आंसर यहाँ पे 15 आता है, 100। ठीक है, जो लिखा होता है ऑफ, यहाँ पे लगाएंगे मल्टीप्लाई और ये वाली वैल्यू लिख देंगे 100। क्लियर, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई और ये वाली वैल्यू, परसेंटेज जब साइन रिमूव करेंगे तो 100 लगा देंगे। इसको और इसको कैंसिल करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 15। क्लियर, क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। लेट्स सपोज हमें फाइंड आउट करना है 15% ऑफ, यू कैन से दैट 45। सो इसका भी मेथड वही ही आप अडॉप्ट करेंगे, 15 लगाएंगे, इस परसेंटेज साइन की जगह पे आप 100 लगा देंगे और ऑफ की जगह पे आप लगाएंगे मल्टीप्लाई और इस 45 को इधर लिखेंगे। क्लियर नाउ, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्या एफिशिएंसी है इसको कट ऑफ करने के लिए। तो ये देखें जी, हम देखेंगे कि ये देखें, हम इसको ऊपर नीचे काट सकते हैं और इस 45 के साथ भी काट सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 5 पे करें, 5 9s आर, 5 2s आर और इसके पीछे एक ज़ीरो आ जाएगा। क्लियर नाउ, 15/20 मल्टीप्लाई बाय 109, यहाँ पे हम इसको काट सकते हैं किससे, 5 से, 5 3s आर और यहाँ पे आ जाएगा 5 4s आर। अब हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का बचा 3/4 मल्टीप्लाई बाय 9। अब जो 9 होता है इसके नीचे भी 1 होता है क्योंकि ये फर्दर डिवाइड नहीं होते, इसको इसको मल्टीप्लाई कर लें, इसको इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो हमारे पास आ जाएगा 2 3 9s are 27/4। इनको हमने मल्टीप्लाई कर लिया है, इसको और इसको। ठीक है, अब 27 को हम रखेंगे यहाँ पर और करेंगे 4 पे डिवाइड। तो देखें जी, 4 4 7s are 28, 4 6s are 24 आएगा, यहाँ पे लिख लेंगे हम। ठीक है, माइनस का साइन लगाएंगे, 3 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये 3 स्मॉलर है 4 से, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, इसको 0 दे देंगे। अब करेंगे 4 7s are 28, यहाँ पे 2 आपके पास बच जाएगा, 0 लगाएंगे। 4 5s are 20, ये कट जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 6.75, ये हमारे पास आंसर आएगा 15% of 45। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये सिंपल वे है परसेंटेज को करने का। कोई भी क्वेश्चन आपके पास आए, आपने इसी मेथड से आपने इसको करना है। अगर फॉर एग्जांपल 20% of आपके पास 80 आ जाए, सॉरी 20% आपके पास 20% of 80 आ जाए, 20% of 80, तो आप सिमिलरली 20 इस परसेंटेज साइन को रिमूव जब करेंगे तो ओवर लगाएंगे 100, इस ऑफ की जगह पे लगाएंगे मल्टीप्लाई साइन और ये आ जाएगा आपके पास 80। तो हम क्या करेंगे, ये 0 और 0 कैंसिल, ये 0 और ये 0 कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा 2/1 मल्टीप्लाई बाय 8। क्लियर, ठीक है। तो हमारे पास अब ये देखें जी, इसके नीचे 1, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 16 हमारे पास आ जाएगा, 2 8s are 16, तो 20% of 80 आपके पास आ जाएगा 16। इसी तरह से एक और एग्जांपल शो करता हूँ आपके पास और आपको दिखाऊँ कि कैसे हम इसको डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने निकालना है 5% of आपके पास आ जाएगा 5% of 20। क्लियर, तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर आएगा, आप देख लीजिए इसका आंसर, देखें 5/100 मल्टीप्लाई बाय 20, मेथड मैंने आपको बता दिया हुआ है पहले से, इसको
और इसको कट कर दें, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास 5 2s are 10 over 10 and 10 and 10 कैंसिल होंगे तो आपके पास आ जाएगा 1, तो 1 आंसर आ जाएगा, 5% ऑफ 20। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारे पास ये फार्मूला है परसेंटेज का, इस तरह से हम हर किसी किस्म की भी परसेंटेज हम कर सकते हैं। ये हमारे पास बेसिक था, नेक्स्ट वीडियोस में हम इसकी एडवांस भी करेंगे और मैंने ऑलरेडी वीडियो भी अपलोड की हुई है, आप उनको भी कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।